Like a bell cut. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे हैप्पी किचन में। तो दोस्तों, मैंने आज बनाया है इस तरीके से छोला और फ्राई राइस। तो दोस्तों, आप इस तरीके से बनाइए, चेक करिए। बना तो सब लोग लेते हैं, लेकिन बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो मैंने इस तरीके से बनाया है, आप बनाइए। तो हम दिखाते हैं आपको, चलिए, कि मैंने किस तरीके से बनाया है। दोस्तों, तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में। तो फिर हम चलते हैं दोस्तों। फिर तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं छोला और जीरा राइस। तो जीरा राइस छोला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मसाला लिया हुआ है। प्याज है ये मेरी दो, अदरक है, लहसुन है, मिर्चा है। और अगर आप मिर्ची ज़्यादा खाना चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एक मिर्चा ले रही हूँ। छोला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे उबली हुई मटर ली है, जो मैंने इसको भिगो दिया था 4 से 5 घंटा तक। ये भीग गई है, तब हम बनाएंगे छोला। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिया है जार। अभी मैंने इसमें मसाला पीसा है, जो मिर्च वगैरह पीसा है मैंने। तो इसमें प्याज, अदरक, पहले प्याज को डालेंगे, फिर लहसुन, अदरक। हम यहाँ पे दोस्तों आमचूर भी डाल सकते हैं, आम भी डाल सकते हैं और आमचूर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम टमाटर भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी खट्टा करने के लिए इसको डाल सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें हम आमचूर डाल के पीस के ला रहे हैं। तो दोस्तों, कढ़ाई हो गई है मेरी यहाँ पे गरम। हम यहाँ पे डालेंगे सरसों का तेल 2 चम्मच, अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं जीरा। तेल गरम होने के बाद दोस्तों, उसके बाद हम डालेंगे एक तेज पत्ता, डालेंगे यहाँ पे प्याज, थोड़ा प्याज हम ऐसे पीस के भी डाले हैं, थोड़ा इसे डालेंगे काट के। तो मेरा प्याज यहाँ पे गया है दोस्तों पक, देखिए इस तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे जो पेस्ट बनाया है, लहसुन, मिर्चा, प्याज, अदरक, और इसमें हमने डाला है खटाई। अब इसको भी हमें आराम से पकाना है। अब हम यहाँ पे डालेंगे दोस्तों 1/2 चम्मच हल्दी, फिर हम डालते हैं स्वाद अनुसार नमक, यहाँ पे इसके बाद में हम डालेंगे जीरा, मिर्चा, धनिया पाउडर, जो हम भून के रखते हैं। तो दोस्तों, छोला बहुत ही अच्छा बनने वाला है, बहुत ही अच्छा बनता है इस तरीके से। तो हमें इस तरीके से पकाना है। अब यहाँ पे हम डालेंगे छोला मसाला, को भी इस तरीके से भून लेंगे। फिर अब हम यहाँ पर डालते हैं सब्जी मसाला, राजेश का है, पैकेट लाते हैं। इस समय मौसम बरसात का है तो ख़राब हो जाता है, तो ज़्यादातर हम पैकेट का ही लाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा मसाला नहीं यूज होता है, तो हम थोड़ा ही लाते हैं। तो दोस्तों, मसाला गया है मेरा पक यहाँ पे, देखिए मसाले ने सारा तेल छोड़ दिया है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे एक आलू,
आलू को हम इस तरीके से पहले थोड़ा सा मसाले में मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम छोला डालेंगे, यहाँ पे हम छोला डाल दिए हैं। इस तरीके से अब इसको हम 5 मिनट तक ढक देंगे पकने के लिए। तो दोस्तों छोला बनके हो गया है रेडी। इस तरीके से मैंने बना लिया है छोला। तो दोस्तों मटर मेरी गई है पक। इस तरीके से ज़्यादा नहीं गलाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा मटर गल जाती है तो कोई पसंद नहीं करता है। तो इसको हम करते हैं साइड में। दोस्तों मैंने यहाँ तवा दिया है चढ़ा, हम तवा पे ही फ्राई करेंगे चावल को। तो मैंने इस तरीके से चावल लिया है बना। तो इसमें हम डाल रहे हैं देसी घी 1 चम्मच, डालेंगे थोड़ा सा पक जाए जीरा, एक हमने लाल मिर्च डाल दी है। अगर तीखा खाना हो तो आप इस तरीके से खा सकते हैं। तो दोस्तों जी मेरा पक गया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे चावल। अब इसमें हम दोस्तों बिल्कुल जरा सा थोड़ा सा डालेंगे नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि इसका टेस्ट जो है थोड़ा चेंज हो जाए। तो ये मेरा फ्राइड राइस बनके हो गया है रेडी। देखिए इस तरीके से बन गया है। अब इसको हम सर्व करते हैं थाली में। तो दोस्तों छोला फ्राइड राइस बनके हो गया है रेडी। देखिए फ्राइड राइस कितना अच्छा बना हुआ है। तो मैंने बनाया है छोला फ्राइड राइस इस तरीके से, जिसके साथ मैंने प्याज भी रखा है, नींबू भी रखा है। तो दोस्तों चेक करके देखिएगा खा के ये रेसिपी कैसी लगी। और पसंद आती है दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। तो दोस्तों बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो।